सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका यूनिट वन जो है मोनोपोली। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। लेकिन देखो, अगर हमें इसको मोनोपोली को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इसका बेस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका बेस जानोगे तभी आपको मोनोपोली चैप्टर समझ आएगा। तो ठीक है, तो हम पहले इसके बेसिक में पढ़ते हैं। तो हम इसका पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ में भी आता है, और ये जो आगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो कर रहे हैं जिनका चैप्टर मोनोपोली है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप डीयू के कॉलेज से हैं, सोल से हैं या एनसी वेब से हैं, जिससे भी आप अगर अपना आगे कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सो देखते हैं हम आगे। सो गाइस, सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में हम इसके लर्निंग आउटकम्स पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफाइन प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन। हम सबसे पहले हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन समझ आएगा तभी तो जो प्रोड्यूस हुआ है, जो भी गुड होगा, गुड या सर्विस, वो तभी मार्केट में जाएगी, तभी तो वो मोनोपोली में जाएगी, तभी तो आपको पता लगेगा कि मोनोपोली चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के। ठीक है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे इन दोनों के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ेंगे, रिटर्न ऑफ स्केल पढ़ेंगे, डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, जो आइसो कॉस्ट और आइसो कर्व्स होता है ये दोनों पढ़ेंगे। ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज वी अवेयर, द सर्वाइवल ऑफ एनी फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। मान लो, जैसे एक प्रोडक्शन क्या है, जैसे मानो अगर आपने कोई गुड है, कोई आपने पेप्सी की बोतल है, आपने वो प्रोड्यूस करी, ठीक है, आप कि जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है, मतलब अगर आप जैसे कोका कोला की बोतल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो पेप्सी वाले होंगे और जो भी कंपनीज होगी वो एक कॉम्पिटेटिव मार्केट है आपके लिए, और आपको एक कॉम्पिटेटिव कॉस्ट पे आपको वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने गुड को। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसकी मतलब लगा दो कि ये कॉम्पिटेटिव कॉस्ट आप लगा दो, जैसे मानो पेप्सी का है 40 रुपये और आप बोल दो कि भाई मेरी बॉटल 50 की है, तो कोई आपको बॉटल को इतने ज़्यादा नहीं खरीदेगा जितनी ज़्यादा वो 40 रुपये वाली प्रेफर करेंगे। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में एक कॉम्पिटेटिव ऐसी कॉस्ट रखनी पड़ती है जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब किसी चीज़ को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, अपनी एक कॉम्पिटेटिव कॉस्ट पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस डिटरमाइन द रिचनेस और पॉवर्टी ऑफ द इकोनॉमी। इन फैक्ट द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। दस द USA इन अ रिच कंट्री जस्ट बिकॉज इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज हाई। इसका मतलब ये है कि मानो अगर कोई आप गुड या सर्विस अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको ऐसे कॉस्ट पे करना चाहिए कि जिससे रिच जो पीपल हैं वो भी ले सकें आपकी जो गुड प्रोड्यूस करा है या फिर जो आप सर्विस दे रहे हैं, और जो एक पॉवर्टी वाला पीपल है वो भी आपके इस गुड को ले सके, ऐसे उस पे प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिविंग वाले भी ले सकें और एक नॉर्मल जो पीपल हैं वो भी ले सकें। क्योंकि देखो, अब हम USA का एग्जांपल लिया है इसमें कि USA जो है एक रिच कंट्री है। क्यों है? क्योंकि वो एक हाई लेवल का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है और एक कॉम्पिटेटिव कॉस्ट पर प्रोड्यूस करती है जिससे हर कोई उसको ले पाता है उसके प्रोडक्ट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब जो हम प्रोडक्शन करते हैं ये कैसे होता है, कुछ पता है कि? ऐसा तो नहीं है कि भाई पेप्सी की बोतल सीधा आसमान से उतर के नीचे आ जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कि अब किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन लोग उसको मिलके बनाते हैं, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला हमारा आ गया लैंड आ गई, ठीक है, ज़मीन। दूसरा हमारे आ गया लेबर आ गया, जो उस पर ज़मीन पे काम करने वाले लोग। कैपिटल आ गया, जो हमने वहाँ पे मशीनरी वगैरह लगाई, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आ गया, जो इन तीनों का सबसे मेन है, जो इन तीनों को आगे संभालेगा। ठीक है,
तो ये चार फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम इसके जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू इनपुट। सबसे पहले जान लो कि जो फैक्टर प्रोडक्शन होता है ना, मतलब हम कहीं जगह पर अपना इनपुट लगा रहे हैं, अब उससे हम ये अजम कर रहे हैं कि वहाँ से हमें आउटपुट निकल के आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ते क्यों हैं, इसलिए पढ़ते हैं ना कि भाई आज हम पढ़ेंगे तो कल को हम कुछ अच्छे बन के आए बनेंगे। ठीक है, तो फॉर हम अपना इनपुट लगाते हैं पढ़ाई में, देन हम सोचते हैं कि हमारा वहाँ से आउटपुट निकल के आएगा। किसी भी काम में हम अपना इनपुट लगाते हैं तो हम सोचते हैं वहाँ से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अन इनपुट इज़ अ गुड और सर्विस विच अ फर्म बायस्ड फॉर यूज़ इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्म क्या होती है, फर्म जो होती है इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि एक गुड और एक सर्विस पे जो अपना इनपुट लगाया गया है एक इंडस्ट्री में जाके, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिस एक इंडस्ट्री में हम अपने इनपुट को लगाते हैं किसी गुड या सर्विसेज पे, समझ रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फर्म में हम अपना इनपुट लगाते हैं किसी भी गुड या सर्विस में, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अ गुड हैज़ टू पास थ्रू मैनी स्टेजेस। जो गुड होता है ना आपका, ऐसा नहीं है कि भाई वो फटाफट तुमने बना लिया और वो तुम्हारे हाथ में आ गया, नहीं। गुड जो होता है ना, वो कई कई स्टेजेस में पास होके आता है। ठीक है, कई स्टेजेस में पास होके आता है वो, कि भाई एक बंदा होता है वो उसकी भाई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई बंदा उसके पे स्टिकर लगाता है, कोई बंदा उसका ढक्कन बनाता है। मतलब मैं पेप्सी का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदा बना के तुम्हें ख़त्म करके सारा माल दे देगा, नहीं, काफ़ी मैनी स्टेजेस में वो होके गुजरता है। ठीक है, एंड मैनी हैंड्स अंटिल इट रीचेज द कंज्यूमर हैंड्स इन अ फिनिश फॉर्म। काफ़ी सारे हाथों से निकलने के बाद वो एक कंज्यूमर के हाथ में आता है एक फिनिश फॉर्म में, समझ गए। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल वगैरह लगाएंगे, कोई बंदा दूसरा काम करेगा, कोई बंदा दूसरा काम करेगा, उसके बाद काफ़ी सारे हाथों में निकलने के बाद एक कंज्यूमर के हाथ में वो चीज़ आती है। फिर वो जो चीज़ें हैं वो जाएंगी आगे दुकान वालों के पास, दुकान से आप ख़रीदेंगे, तो कह रहे हैं ना कि इट रिचेज, मतलब वो कंज्यूमर के हाथ में पहुँचेगी। इट रिचेज द कंज्यूमर हैंड्स इन अ फिनिश फॉर्म, एक फिनिश फॉर्म में आके। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एबिलिटी आर द फोर फैक्टर और रिसोर्सेज विच मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये चार फैक्टर होते हैं, ये चार रिसोर्सेज होते हैं, ये चार फैक्टर होते हैं आपके पास कि ये सारे पॉसिबल हो पाता है कि आपका एक गुड प्रोड्यूस हो पाएगा। ये चार फैक्टर नहीं हुए ना आपके पास तो आपका गुड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ये कहा गया है कि भाई लैंड होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ये चार फैक्टर होने चाहिए कि अगर ये चार फैक्टर होंगे तभी आपका जो एक गुड या सर्विस है वो पॉसिबल हो पाएगा प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, लैंड, अब सबसे पहले हमने जो चार फैक्टर पढ़े थे अपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले हम लैंड के बारे में इसमें बात करेंगे। द टर्म लैंड इज़ यूज इन अ स्पेशल सेंस इन इकोनॉमिक्स। इट डज़ नॉट मीन सॉयल और अर्थ सर्फेस अलोन, बट इट रेफर्स टू ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच वुड इंक्लूड बिसाइड लैंड इन कॉमन पार्लेंस नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, वाटर, एयर और हीट, लाइट हीट, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना जो मैंने अभी लास्ट में बोली है। इसमें ये कहा गया है कि आप एक समझ रहे होंगे लैंड मतलब ज़मीन आ गई, भाई उसमें तुमने काम अपना जो फैक्ट्री लगा के अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ज़मीन को नहीं लिया गया, इसमें बोला गया है कि ज़मीन, वो वाली ज़मीन जहाँ पे सॉयल हो और जहाँ अर्थ हो, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वो ज़मीन हमें मिल गई, वो नहीं है वो ज़मीन। ज़मीन वो है जहाँ पे हमें नेचर के फ्री गिफ्ट्स हमें मिले हों, वहाँ इंक्लूड हों। जैसे कि क्या, मैं आपको बताऊँ भाई, सबसे पहला आपको वहाँ पे वो मिला हो कि नेचुरल रिसोर्सेज हो वहाँ पे आपके, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो वहाँ पे, वाटर हो वहाँ पे, एयर हो, ठीक है, हीट लाइट हो, ये सारी चीज़ें हो, तभी वहाँ पे काम किया जा सकता है। मानो आप एक जगह भाई बंजर ज़मीन पे चले गए, ना वहाँ पे लाइट आती है, ना वहाँ कुछ आती है, ना तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री अपनी फार्म लगा के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो इसमें यही कहा गया है कि लैंड ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे भाई हर एक रिसोर्सेज अवेलेबल हो नेचर का।
सबसे पहले अब हम करैक्टर पढ़ेंगे कि लैंड के करैक्टर क्या हैं। सबसे पहला, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भाई जो लैंड है वो एक गिफ्ट है हमारे लिए नेचर का, हमने खुद तो लैंड को प्रोड्यूस करा नहीं है तो हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है नेचर का। सेकंड, सप्लाई ऑफ आर लैंड इज़ फिक्स्ड। जो लैंड है वो एक जगह फिक्स्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह आप रिप्लेस तो कर नहीं सकते, एक ही जगह फिक्स रहती है वो, ठीक है। थर्ड है, लैंड इज़ अ परमानेंट एंड हैज़ इंडिस्ट्रिक्टिबल पावर्स। लैंड के पास बहुत ही बढ़िया पावर होती है, ऐसा तो नहीं आपने एक जगह बम फोड़ दिया तो वो ज़मीन गायब, अब वो एकदम नीचे है फिर तुम, ऐसा तो नहीं है। वो क्या है, वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन वहाँ से हट जाएगी, तो उसके पास बहुत सारी पावर होती है लैंड के पास, ठीक है। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर। लैंड इज़ अ पैसिव फैक्टर मतलब कि आप जो कोई भी इंसान जाके इस पर कोई भी चीज़ उगा सकता है ऑन इन इट्स ओन, लाइक गेहूँ चावल एक्सेट्रा, ठीक है। लैंड इज़ इमोबिल। इमोबिल मतलब कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। मोबिल मतलब होता है जो एक जगह पर फिक्स्ड होती है, इमोबिल मतलब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, ठीक है, ठीक है। लैंड हैज़ मल्टीपल यूजेज़। भाई लैंड के कई सारे यूजेज़ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आप इस पे गेहूँ भी उगा सकते हैं, चावल भी उगा सकते हैं, कई सारी चीज़ें उगा सकते हैं, तो भाई लैंड के कई सारे यूजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। लैंड इज़ हेट्रोजीनियस। अब ये समझ लेना क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न आती है बच्चों को। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अगर मानो मैंने आपको दो पीसेस दे दिए ज़मीन के, एक ज़मीन दे दी, मतलब एक आप जैसे पार्क गए, मैंने आपको वहाँ दो ज़मीनें बांट दी कि भाई एक ये वाली ज़मीन एक ये वाली ज़मीन, अब वो दोनों ज़मीन सेम नहीं होगी, अलाइक सेम नॉट, अलग अलग होंगी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो वहाँ पे उस लैंड की क्या सिचुएशन है और इधर इस लैंड की क्या सिचुएशन है। आपने देखा है कि अगर आप पार्क में जाते हैं जो एक ज़मीन होती है वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जो एक ज़मीन होती है वहाँ पे कई सारी घासेस होती है, बेंचेस होते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, तो दोनों ज़मीन एक जैसी नहीं होती, सिचुएशन पर डिपेंड है, तो इसी को हम कहते हैं लैंड इज़ हेट्रोजीनियस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं लेबर की। द टर्म लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सट्रैक्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और ऑफ माइंड अंडरगोन पार्टली और होरली विद अ व्यू टू सिक्योर एन इनकम अपार्ट फ्रॉम द प्लेजर डाइवर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क इज टर्म्ड एज लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये जो डेफिनेशन है इसका मैं अगर आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहूँ कि भाई क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई बंदा आपसे अगर काम के बदले आपसे पैसे ले रहा है, कोई आपने उससे काम करवाया, अपने घर का जो भी जैसे एनीथिंग एल्स कोई काम कराया, आपने उसको पैसे दिए, तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो हुआ आपके लिए लेबर, ठीक है। कोई काम के बदले में जो इनकम लेता है आपसे, जो पैसे लेता है, उसको हम कहेंगे लेबर। सो जो मैंने लिखा है, मैं ये भी एक बार आपको समझा दूँ कि क्या लिखा है, कि भाई कोई बंदा जो मेंटल भी और फिज़िकली भी आपके पास सामने आके अगर कोई गुड्स या सर्विस आपको दे रहा है, ठीक है, उसको हम लेबर कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और अ माइंड अंडरगोन पार्टली एंड होरली, मतलब इसमें एक आ गया कोई बंदा भाई जो भी जितने भी हैं वो आपके सामने हो, बॉडी से भी माइंड से भी, ठीक है, और वो पार्टली भी होरली भी, कोई पार्ट टाइम कर करता है, कोई ज़्यादा टाइम के लिए करता है, और आप उनको इनकम दे रहे हो और वो आपको डायरेक्टली आपका काम करके दे रहे हो, आपका वर्क करके दे रहे हो, तो हम उसको एज टर्म एज लेबर कहेंगे, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे, जो फिजिकली मेंटली आपके सामने हो और आपको काम करके दे रहा हो और आपसे इनकम ले रहा हो, सो वो कौन है आपका सामने, लेबर है, ठीक है। अब हम लेबर के कुछ करैक्टर पढ़ लेते हैं क्या हैं। सबसे पहला ह्यूमन एफर्ट्स, तो आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि भाई जो लेबर होता है वो कितना ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स करता है, और ये याद रखना कि जो वो एफर्ट्स करता है लेबर, उसमें ये होता है कि आप ऐसा नहीं कि उसको कहीं भी गंदी सी जगह में बिठा के कहोगे भाई तू ले पैसे और काम कर, तो काम तो वो करेगा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो उसके काम करने की 100% क्षमता है जो ना, वो घटकर 50 या फिर 70 ही काम कर पाएगा। तो इसलिए अगर किसी लेबर से हमें काम कराना होता है तो हमें उसको पहले साइकोलॉजिकल भी माइंड से वो ठीक होना चाहिए, उसके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा करना चाहिए, बातचीत भी अच्छे से करनी चाहिए, और उसको मन पसंदीदा वर्क देना चाहिए। मानो अब आप एक इंजीनियर को मोची के काम पर बिठा दो और मोची को इंजीनियर पर, तो भाई दोनों का काम ही नहीं हो पाएगा, तो जो काम उसको पसंद है, जिस काम में वो माहिर है, वही काम उसको देना चाहिए, और इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। सेकंड है हमारा, लेबर इज़ पेरिशेबल, ठीक है, मतलब जो लेबर होता है वो काफ़ी प्रीशियस होता है। मान लो अगर कोई लेबर जैसे एक दिन काम पे नहीं आया, ठीक है, एक दिन काम पे नहीं आया एक लेबर, तो लोग क्या करते हैं कि अगले दिन उससे कहते हैं कि भाई तू एक्स्ट्रा वर्क करेगा, ठीक है,
तो वो एक्स्ट्रा वर्क कर तो देगा, लेकिन उससे वो वाला जो एक्स्ट्रा टाइम होगा ना, वो उससे इतना ज़्यादा, अगर वो जैसे एक टाइम पे 12 से 6 घंटे काम करता है, तो 12 से 6 घंटे आपको 100% काम करके देता है, लेकिन उसने एक दिन छुट्टी कर ली, दूसरे दिन कहोगे भाई तू एक्स्ट्रा वर्क कर, तो वो कर तो लेगा, लेकिन ना वो जो 100% वर्क कर रहा होगा, तो वो आपको उसके साथ साथ 40 या 50% ही अपना वो दे पाएगा एक्स्ट्रा वर्क में, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि जो लेबर की जो लेबरल है ना, वो उसको हम कहीं स्टोर नहीं करके रख सकते, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि लेबर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, हम उसकी लेबर को कहीं स्टोर नहीं कर सकते, ओके ठीक है। हमारा थर्ड है, लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर। देखो भाई, जो लेबर है वो एक्टिव फैक्टर है, कैसे, विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर। मानो अगर लेबर नहीं है एक जगह पर, ना लैंड है ना कैपिटल है, आप कुछ प्रोड्यूस कर लोगे वहाँ? कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इसी को कहा गया कि लेबर इज़ एन एक्टिव फैक्टर, ओके ठीक है। अब हमारा फोर्थ आ जाता है, लेबर इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरल। मतलब इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं किया जा सकता, लेबरल मतलब जो उसके काम, जो काम होता है उसका, ठीक है। तो यही कहा गया है कि भाई जो लेबर है उसको उसके काम से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये है, वो बंदा मतलब अपनी लेबरल देता है तभी आपसे वेजेस लेता है, आपसे पैसे लेता है, और जितना उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही उससे वर्क लेना चाहिए, जिससे वो मोर एफिशिएंटली आपको 100% वर्क आपका कर सके, ठीक है। अब हमारा है, लेबर इज़ मोबाइल। देखो, हमने पिछले में पढ़ा था जो लैंड थी वो इमोबाइल थी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती थी, लेकिन ये जो लेबर है वो मोबाइल है, अगर उसकी एक जगह जॉब छूटी तो वो दूसरी जगह जा सकता है। भाई ऐसा नहीं कि एक जगह उसको काम नहीं मिला तो आगे भी उसको काम ही नहीं मिलेगा, नहीं, मोबाइल है भाई, एक जगह से छूटी दूसरी जगह, दूसरी जगह से छूटी तो तीसरी जगह। चॉइस बिटवीन हावर्स ऑफ लेबर एंड हावर्स ऑफ लेशियर। लेशियर का मतलब होता है छुट्टी। देखो, अब जो लेबर है अगर उसको एक दिन की छुट्टी चाहिए, कोई कोई बंदे बोलते थे कि नहीं छुट्टी नहीं है भाई, आपको आना ही आना है, तो उसको आना तो पड़ेगा ही काम करने के, लेकिन वो मोर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो देखो, लेबर को और हावर्स का मतलब इसमें यह था कि उसको इतना ही वर्क करवाना चाहिए कि जितना उस वो काम कर सके। अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे, मोर एफिशिएंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, इससे ज़्यादा अगर किसी को काम कराओगे तो फिर समझ लो वो ढंग से काम होगा ही नहीं। इसमें यही कहा गया है कि एक चॉइस ऑफ हावर पे काम कराना चाहिए, और अगर जिस टाइम पे छुट्टी देनी है या फिर किसी की जो भी है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको छुट्टी भी उस टाइम पे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे करैक्टर लेबर के, अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, अब हमारा है कैपिटल। सो भाई, जो कैपिटल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, आपको सारा समझ आएगा ये, ठीक है। वी मे डिफाइन कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी विच इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इनफैक्ट कैपिटल इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच यील्ड्स अ पीरियोडिकली इनकम विच इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। सबसे पहले तो आप भाई कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस समझो, कैपिटल क्या होती है और वेल्थ क्या होती है। मानो अगर आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 में से भाई 5,000 आपने खर्च दिए, 5,000 आप अपने घर में ला के अमीरी के तौर पर रख लिए कि भाई मैं दिखाऊं कि मेरे पास 5,000 है, तो आपकी क्या है, वेल्थ है। वेल्थ को हम हिंदी में अगर देखें तो उसका मतलब होता है अमीरी, ठीक है। तो वेल्थ होती है कि भाई 10,000 कमाए, 5,000 खर्च दिए, 5,000 ला के घर में रख दिए कि दिखाने के लिए कि भाई मैं अमीरी, वेल्थ है ये मेरी। और कैपिटल वो होती है, जो कैपिटल है वो ये होती है कि भाई आपने 10,000 कमाए, 10,000 में से 5,000 अगर आपने खर्च भी कर दिए, तो जो 5,000 है वो अपने बैंक में डाल देंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसमें, और उसमें पैसे और जुड़ते रहेंगे, या तो आप किसी स्टॉक मार्केट में उसको लगा देंगे, जिससे वो 5,000 के और पैसे बढ़ते जाएंगे, वो रुक नहीं जाएगी, ठीक है, उसके वो और पैसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल, कि उन पैसों से और पैसे बनाना वो कैपिटल होगी, और अगर वो पैसे लाके आपने अपने घर में रख दिए तो दिस इज़ योर वेल्थ, ओके। तो इसमें यही कहा गया भाई कैपिटल वो चीज़ है जो इंडिविजुअल जो है अपने आगे प्रोडक्शन के लिए करता है, ठीक है। और आपको इसमें ये भी बोला गया डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, ये समझ लेना क्या होती है। और भाई कैपिटल तो कई तरीके की चीज़ें होती है, मानो जैसे आपने, अगर आप 10 करोड़ पे कमाते हैं, 10 करोड़ में से आपने 5 करोड़ की दुकान खरीद ली, उसमें किराए पे बिठा दिया, या फिर आपने मशीनें खरीद ली, टूल्स खरीद लिए, जिससे आप आगे उसका उस टूल्स के लिए काम ही तो करेंगे, या फिर कोई वर्कर्स बिठा लिए उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो आपकी एक तरीके से कैपिटल होती है, ठीक है। कैपिटल मीन्स होती है मशीनरी, टूल्स वगैरह खरीद लिए, या फिर उस पैसे को कहीं लगा देना, उन्हीं पैसों से और पैसा बनाना, दिस इज़ योर कैपिटल, ओके। अब
अब जो है हम इस कैपिटल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल। भाई फिक्स्ड कैपिटल वही है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है, लाइक टूल्स मशीन्स एक्सेट्रा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल है जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, आप उसको दोबारा दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, टूल्स मशीन होती है, आप तो उसको कितनी बार भी यूज़ करोगे भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, भाई एक बार इसने यूज़ कर लिया या फिर इतने टाइम तक यूज़ कर लिया फिर ख़त्म, ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है, जब तक चल रही है भाई चलाते हैं। तो ऐसा होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल में, ये चीज़ होती है कि एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म। लाइक जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं कि आप स्वीट्स ले सकते हो, फ्यूल ले सकते हो, या रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है, टेंजिबल कैपिटल होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे है इंटेंजिबल, इसमें होता है कि जिनको हम नहीं देख सकते। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो अपनी गुडविल ले लो, पेंटेंट ले लो, पेंटेंट राइट्स जो होते हैं हमारे, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप गूगल पे सर्च मारो, देखो काफ़ी सारे। ठीक है, अब भाई इंडिविजुअल कैपिटल आ जाता है, ये भाई बड़ा आसान है। मानो भाई आपने 10 करोड़ रुपये लिए, उसमें से भाई 5 करोड़ रुपये खर्च दिए, 5 करोड़ रुपये बच गए, उसका आपने घर ले लिया, घर किराए पे चढ़ा दिया, उसका इंटरेस्ट आता रहा, आप भाई खाते रहे, तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल कैपिटल हुआ ना, क्योंकि आपने अपनी ओन प्रॉपर्टी खरीदी कोई। या फिर आप ग्रुप ऑफ कैपिटल, ग्रुप कैपिटल लिख सकते हो। ग्रुप कैपिटल में भाई कि नहीं, 4-5 लोगों ने मिलकर ले ली, जो पैसा आता है वो बांट लिया। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं सोशल कैपिटल, जो आपकी सरकार करती है भाई। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल कैपिटल। हम एग्जांपल के थ्रू बोल देते हैं भाई, जो ये रोड्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, जितने भी होते हैं एक्सेट्रा, इन सबको हम कहते हैं सोशल कैपिटल में। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 था। जो पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके लिए आपको एक अलग से नई वीडियो मिल जाएगी। और जो इसके नोट्स की बात है, वो जब इसकी लास्ट, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो लास्ट वीडियो होगी ना, उसमें आपको लास्ट वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, उस नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। थैंक यू।